हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग का पैटर्न रहता है, हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट का, वो कौन डिस्कस किए थे? ओरस्टेड ने उसके डिस्कस किए थे, डिस्कवर किए थे। और जो उसका मैथमेटिकल टर्म है वह प्रोसीड्योर है, वो किसने डिस्कस किए थे या डिस्कवर किए थे? बायर एंड सावर्ट ने। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न होता है, देखिए, मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंडक्टर होता है और मूविंग चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट दिया हुआ है और इसका डिटेल्स दिया हुआ है। बी जो होता है, मतलब इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और उसके यूनिट होता है हम लोगों का, ऐसे यूनिट होता है हम लोग का वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। और हम लोग का सीजीएस यूनिट होता है गॉस होता है, ठीक है। और उसका रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10^4 गॉस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। ये हम सबको पता है बायोट सावर्ट लॉ क्या है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका जो इसका वेक्टर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो है हम लोगों का ये वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो बायो सावर्ट लॉ से हम लोग क्या करते हैं? बायो सावर्ट लॉ से हम लोग एक सर्टेन पॉइंट में, एक सर्टेन डिस्टेंस में, सर्टेन डिस्टेंस पे एक करंट करंट कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस में कोई भी पॉइंट में उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग निकालते हैं बायो सावर्ट लॉ से। तो ये है उसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट जो परमेबिलिटी होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए वैल्यू दिया हुआ है 4π·10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट और इसका वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में ये दिया नहीं रहता है बहुत बार। तो देखिए, और एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो वो देखिए, बायो सावर्ट लॉ जो होता है हम लोगों का, बायो सावर्ट लॉ क्या है? एनालॉगस टू हम लोगों का कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ है फॉर मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें से करंट का जा रहा है, हम लोग का आई करंट जा रहा है, उसमें से अगर हम लोग पी पॉइंट में हम लोग अगर चाहेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा बी का, वो होगा हम लोग का ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इन्फिनिटी हुआ तो 90 डिग्री हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी में हम लोग क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ए वाला 90 डिग्री हो जाएगा और ए वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे ए वाला फॉर्मूला, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मतलब करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग का जो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो हम लोग का थंब है उस डायरेक्शन में रखेंगे, और बाकी जो हम लोग का फिंगर है वो हम लोग अगर मुड़ेंगे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग मुड़ सकते हैं वही होगा हम लोग का बी का डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अच्छा एक रिंग है, रिंग में आई करंट फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए एक रिंग है उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसका रेडियस अगर आर है, कैपिटल आर है, उसमें से उसका जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से आर डिस्टेंस में हम लोग पी पॉइंट में अगर चाहेंगे कि उसका बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग जो हम लोग का फॉर्मूला है वो हम लोग उस पर जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों का डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के पास बहुत ही कम समय रहता है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, तो हम उसका डेरिवेशन भी लेके आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन इसका। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर पॉइंट ओ में निकालना है, मतलब उसका सेंटर पॉइंट में निकालना है, तो हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ए वाला आर को अगर हम लोग जीरो कर देंगे तो इसका सेंटर में आ जाएंगे हम लोग यहाँ से। चलिए, अच्छा पोलैरिटी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, कोई भी कॉयल के ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, हाँ कोई भी कॉयल मान लीजिए, कॉयल भी कॉयल है, उसका अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, अगर उसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एस पोल क्रिएट करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में वो रोटेट का मतलब करंट फ्लो कर रहा है तो उसका एन पोल क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए, अगर क्यूब में है, कोई भी क्यूब में से उसका सेंटर में अगर हम लोग को पूछता है कि उसका फील्ड कितना होगा सेंटर में, तो हम लोग का जीरो होगा, क्योंकि जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा हर डायरेक्शन में तो उसका जो बी का डायरेक्शन होगा, जैसे हम लोग अभी किया कि राइट हैंड रूल हम लोग अप्लाई किए, मतलब थंब से डायरेक्शन में रख के, करंट का डायरेक्शन में रख के बाकी हम लोग फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेना, वैसा एक अगर हम हर एक एज के लिए अगर हम लोग करेंगे तो सेंटर में एक देखेंगे कि एक दूसरे को नालीफाई कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है बी, तो सेंटर में हम लोग का जीरो रह जाएगा।
और इसके लिए भी जीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका सेंटर में जीरो आएगा। जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन, और ये वाला होगा ऐसे डायरेक्शन, तो एक दूसरे का ऑपोजिट में आ जाएगा तो कैंसिल आउट कर देगा, तो सेंटर में जीरो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए भी जीरो आ जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखिए, तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन थोड़ा सा ही दिया हुआ है क्योंकि इसका ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में एसएससी में, तो आप लोग देखिएगा इसको गौर से, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ किया नहीं है, बस इसका जो एंगल है इसको हम लोग 45 डिग्री कर दिए, क्योंकि ये वाला तो एंगल 45 डिग्री होगा ना, अगर सेंटर में निकालना है, मतलब ये टोटल तो 90 डिग्री है और उसका बीच में से हम लोग का डायगोनल निकाल रहा है तो 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग इसका सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एम्पेयर्स करंट लॉ, इसका ऊपर 2018 में आपका एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी जेई में। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, यही वाला फॉर्मूला पूरा उठा के दे दिया था, आप लोगों को बस टिक करना था इसमें। चलिए सोलेनोइड का बात करते हैं। सोलेनोइड क्या होता है, एक कॉइल होता है, उसमें से करंट फ्लो करता है और उसका जो हम लोग का एक्सिस होता है, मतलब ये ऐसा सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर का शेप का होता है, तो उसका जो एक्सिस होता है, उसका जो सेंट्रल लाइन होता है, उसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एंड हो रहा है और इसका अपर अपर पार्ट है सोलेनोइड का, तो उसका जो बी होगा, उसका जो सेंट्रल लाइन है, उसका सेंट्रल लाइन में जो बी होगा वो μ0 ni होगा, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा जो एन है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा है, टोटल एन बाई उसका एल, ये वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पॉइंट में, अगर मान लीजिए पी पॉइंट में निकालना है और उसका एंगल θ1 सॉरी φ1 और φ2 है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए दोनों करंट करंट कंडक्टर है, अगर एक दूसरे का डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर एक दूसरे का करंट फ्लो करेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ में वो दिया हुआ है, और अगर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो रिपेल करेगा, ठीक है, और जो फोर्स से रिपेल करेगा वो ये वाला है पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जब भी कोई भी दोनों चार्ज, कोई भी चार्ज, दो चार्ज एक V1 और V2 स्पीड में एक दूसरे के पैरेलल में आर्क डिस्टेंस में जा रहा है, दोनों चार्ज हैं, तो जो फोर्स ये लोग फील करेंगे वो होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगर दोनों चार्ज सेम होगा, मतलब प्लस क्यू होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर पैरेलली जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा ही अगर दोनों सेम चार्ज होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेगा। अगर आपका ऑपोजिट चार्ज बना हुआ है तो देखिए डायरेक्शन हम लोग का रिपेल कर जाएगा, और बस ये दोनों का जो है उसका उल्टा ये दोनों का है, ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग कोई भी फील्ड में अगर फेंकते हैं उसको, तो ये भी एक फोर्स फील करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे बी है, उसके साथ हम लोग फाई एंगल में इसको फेंके हैं, फायर किए हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो होगा ये, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा आ गया, ठीक है, तो साइन थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाँ याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए ये जो एंगल है वो 0 डिग्री कर दिया, यही वाला का क्वेश्चन है, देखिए ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल हम लोग का 0 डिग्री कर दिया है, तो 0 कर देगा तो मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका जो मतलब हम लोग को एक जो होगा आंसर डी होगा। और ये वाला तो मतलब बहुत ही सिंपल है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए उसका ऊपर दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देखिए और फिर इसको आंसर कीजिए। और ये वाला देखिए ये थोड़ा सा अलग है, क्या होता है देखिए, अगर ऐसा किया हुआ रहता है, मतलब ये आपका स्किन का तरफ से आपके तरफ वो करंट फेंक रहा है, और अगर ऐसा किया हुआ है तो मतलब ये अंदर तरफ घुस रहा है करंट, ठीक है, तो ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है वो बाहर तरफ आ रहा है, मतलब स्किन से आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये वाला स्किन का अंदर जा रहा है, जो क्रॉस है ना, क्रॉस जो हम लोग का है वो हम लोग का स्किन का अंदर तरफ जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिएगा, मतलब यहाँ पे थंब को रख के आप लोग इसको निकालिएगा। चलिए ये भी बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद से कीजिएगा। अच्छा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आप लोग अप्लाई कीजिएगा जो हम लोग अभी इस सोलेनोइड के बारे में बात किए, बस याद रख लीजिएगा कि वो छोटा वाला जो एन था वो हम लोग का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो बड़ा वाला एन होता है डिवाइडेड बाई उसका एल होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप लोग ये कीजिएगा, तो मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जो सोलेनोइड का हम लोग यूज़ किए, जो पिछले स्लाइड्स में हम लोग देखें उसको देखिएगा, तो उसका आंसर आएगा 7.2 के आसपास, तो ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
ठीक है।